कैसे दे रहा है, धक्का कैसे दे रहा है। Hey guys, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ प्रीति से। यह है प्रीति और मेरे को काफी टाइम से मैसेज कर रहे थे यार, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, तो आप प्रीति से ही पूछ लो कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि आपको पता है आजकल हम इंस्टाग्राम पे लोगों की देख रहे हैं कि मतलब लोगों की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, और कोशिश करते हैं कि हाँ जहाँ तक सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, अगर जहाँ तक होता है। तो यार प्रीति, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा जोर से बोल दो क्योंकि कैमरा सामने लगा है। यार जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, वो मुझे चीट कर रहा है, मतलब डबल डेट कर रहा है, मतलब मेरे साथ रिलेशन में और किसी और के साथ रिलेशन में है। ठीक है। और वो मेरे को ना मतलब काफी टाइम से कर रहा है, बट मुझे ये बात कल पता चली है। और कल कैसे पता चली आपको? कल ऐसे पता चली क्योंकि वो मेरे से ना तो कई दिन से मिल रहा था, ना कोई ढंग से बात कर रहा था, तो मैं सोच रही थी होगा बिजी, अपने काम में होगा बिजी, बट ना कल मैंने बोला मुझे मिलना है किसी काम से, तो उसने क्या करा, मैंने उसका फोन देखा, वो मुझसे मिलने भी आया, मैंने उसका फोन देखा, तो उसमें उसकी मतलब दूसरी जो एक्स हो, कोई भी हो, प्रेजेंट हो, मुझे नहीं मतलब उससे चैट पे करेगी, उसने बात मिलने की पता नहीं, मतलब बहुत नेगेटिव चैट थी उसके बहुत ज्यादा। ठीक है। तो मैंने उन दोनों को कल ना फिर एक पता नहीं कहाँ पे खड़े थे वो, मैंने लास्ट टाइम उनको वहाँ पकड़ा, और उसने उस लड़की के सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया, इतनी गंदी गंदी गाली गलौज कर रहा हूँ मेरे से बहुत ज्यादा, मेरी फैमिली भी, और मैं कैसे उससे वो करूँ, फेस करूँ। मतलब आपकी फैमिली को पता है कि आप रिलेशनशिप में हो? मेरी फैमिली, मतलब शादी वादी की बातें हो रखी है, शादी वादी की बातें हो रखी है यार, यही तो आके लड़की फंस जाती है, जब घर पे शादी की बात हो तो लड़की की इमेज खराब हो जाती है, क्योंकि माँ बाप को तो लगेगा ना कि हमारी लड़की गलत है। तो अभी आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, क्या चाह रहे हो? यार मुझे उससे बिल्कुल क्लियर चाहिए, ताकि मेरी फैमिली भी मुझे ना दोष दे, और कल के दिन कोई प्रॉब्लम हो तो कल के दिन मेरी फैमिली ये ना कहे कि तूने पसंद किया था, तू ही देख ये कर वो कर, क्योंकि ना, और उसकी फैमिली भी है ना, वो भी यही कहती है कि ना लड़की ही गलत हो। आपका माइंडसेट है कि आपको मतलब कि आपको उसके साथ नहीं रहना, मतलब आपको रहना या नहीं रहना ये बताओ। नहीं, उसके साथ रहना ही नहीं है, रहना ही नहीं यार, होता है इतना कौन सहेगा कि मतलब कितने साल का रिलेशन था? कम से कम 4 साल। 4 साल का रिलेशनशिप होने के बाद उसके बाद भी लड़का चीट कर रहा है, और मतलब बंदी ने, उसकी खुद की बंदी ने उसको उसके किसी और के साथ पकड़ा है। ठीक है, जिसके साथ उसकी चैटिंग चल रही है, यार कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि यार तभी मैं आपको बोलती हूँ अगर आप रिलेशनशिप नहीं निभा सकते तो उसको स्टार्ट मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता यार आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ लड़की की जिंदगी पूरी खराब हो जाती है बाद में ना, पूरी समाज और पूरी दुनिया वाले ना लड़की को ही ब्लेम करते हैं कि यार तू ही गलत है, तू ही कैरेक्टरलेस है। ठीक है, तो अभी क्या करो, एक काम करो, आज आपको ये चाहिए ना कि आपको मतलब कल को आपके पेरेंट्स आपको मतलब ये ब्लेम ना करें कि हमारी लड़की गलत है, राइट? तो आप एक काम करो, उस बंदे को फोन मिलाओ, क्या नाम है उसका? ये उसका नाम है ऋतिक, नाम है ऋतिक को फोन मिलाओ और उससे बोलो कि मेरे को एक बार तुझसे मिलना है, अवल तुम्हारी जो कहानी चल रही है वो मिलने आएगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, और लेकिन हमने हिडन कैमरा लगा रखा है, और वो मेरे को यार फिर सुनाएगा, गालियां वालियां देता है क्या, गंदी गालियां देता है। तो एक काम करो, उसकी गालियां सुन लो एक पल के लिए सुन लो, और उसको लोकेशन पे बुला लो एनी हाउ, क्योंकि आपको पता है जो आपको चाहिए मुझसे, उसको लोकेशन पे बुलाने के बाद भी बात ही हम लोग उसको एक्सपोज कर सकते हैं, राइट? तो आप एक काम करो, बस एक बार बुला लो जैसे तैसे, उसको फोन करो और स्पीकर पे फोन रखना, क्योंकि पब्लिक सब कुछ सुन रही है और लाइव चल रही है ये चीजें। हेलो ऋतिक, कहाँ हो? बोलो तुम्हें क्या काम है, बोलो। यार प्लीज एक बार मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूं, यहां पे आ जाओगे मेरे से लास्ट टाइम मिलने प्लीज? अरे मैं नहीं आ, यार प्लीज एक बार आ जाओ, प्लीज एक, यार प्लीज, मैं नहीं आ रहा। यार प्लीज एक बार आ जाओ, आप जो कहोगे ना वही करूंगी मैं, पक्का वही करूंगी, आप जो चाहते हो ना वही होगा, पर आप एक बार आ जाओ। तेरे समझ नहीं आ रहा है क्या? यार प्लीज एक बार प्लीज, मैंने बोला ना मैं नहीं आ रहा, मैं तेरे से प्यार व्यार कुछ नहीं करता। ऋतिक कोई बात नहीं, सुनो तो सही, प्यार ठीक है मत करो, नहीं कर रहे थे आप मत करो, पर आप एक बार आ तो जाओ, लास्ट टाइम तो मिलो, उसके बाद क्लियर कर लेना ऋतिक प्लीज। यार प्लीज यार ऐसे मत बोलो, कोई बात नहीं तुम मुझे और मार लेना, बट तुम आ तो जाओ, एक बार आ जाओ यार ऋतिक प्लीज, बोल देना मैं नहीं आ रहा तेरे से। ऋतिक मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ऋतिक प्लीज प्लीज यार, मेरे को दोबारा पिटना चाहती तो यार प्लीज ऋतिक ऐसे मत बोलो, एक बार आ जाओ ना प्लीज यार, एक बार मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, प्लीज आ जाओ। ओके मेरे को मत दिखा, ड्रामा मत कर, समझ गई? ऋतिक प्लीज आ जाओ यार प्लीज, आप जो कहोगे वैसा करूंगी मैं, कुछ भी नहीं बोलूंगी यार, मैं उसको भी छोड़ दूंगी, तुम्हें भी छोड़ दूंगी तुम्हारे हाल पे। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं आना तुम्हारे पास, समझ गई? प्लीज प्लीज आप क्या हाथ जोड़ लूं, मैं पैर पकड़ लूंगी यार। तेरे समझ नहीं आ रहा क्या ऋतिक? प्लीज मैं बुरी बन जाऊंगी, फैमिली में भी सबके सामने मैं बुरी बन जाऊंगी, बट आप तो जाओ। बन जा, बुरी बन जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गई? प्लीज एक बार आ जाओ यार प्लीज प्लीज यार। नहीं मैंने बोल देना तेरे को नहीं आ रहा मैं। अच्छा क्या चाहते हो मुझे ये भी तो बता सकते हो, एक बार आके मुझे साफ साफ क्लियर। मैं क्या चाहूंगा, एक बार आओगे जब भी तो क्लियर होगा कुछ, नहीं तो आप बताओ मैं आ जाती हूँ वहाँ पे। तू बता कहाँ हूँ, बता जल्दी बता कहाँ हूँ। मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, एक बार वहीं आ जाओ, ठीक है ना? वहीं आके बता दो, बता जल्दी सेंड कर, आ रहा हूँ। ठीक है आ जाओ, लोकेशन भेजो फटाफट।
स्टार्टिंग गाली गलौज से किया, लड़की की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, रिलेशनशिप में रहने का कोई फायदा नहीं है, आगे कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लड़की सिर्फ आपसे यही उम्मीद रखती है, रो मत यार, कि उसको इज्जत मिले, ठीक है, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, जो आप उसको इज्जत भी नहीं दे रहे, और साथ में डबल चीज चीटिंग और चल रही है यहाँ पे, चीट और कर रहे हो और 4 साल के रिलेशनशिप में होने के बाद. सो वेट करते हैं, लोकेशन भेज दिया अपने, आप रो मत, ठीक है, सबक सिखाते हैं उसको, एक्सपोज करते हैं, और बने रहो यार, मेरा तो गालियां सुन के दिमाग खराब हो गया, ठीक है, तो वेट करते हैं. जो सामने आ रहा है व्हाइट टी शर्ट में, पीछे देखना, हाँ यही है, यही है, ठीक है, टेंशन मत लो, डरो मत, कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, आप लोग दबाव में रह जाते हो ना, इसलिए टेंशन मत लो, बोल, यही है क्या, हाँ ऋतिक, यही है, हाय ऋतिक, कैसे हो आप, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया, आ जाओ बैठो ना यार, मेरी कजन है, क्यों बुलाया तूने मुझे, ये बताओ, बैठने बैठना छोड़ो, ये बताओ क्यों बुलाया, तो सही, एक मिनट एक बार बैठ तो जाओ यार, क्या हो गया, बात तुम्हारे लिए तो सही सजा रखी हमने, बैठ जाओ आराम से, क्या दिक्कत है, क्यों बुलाया, ऋतिक यार प्लीज, मेरे से क्या गलती होगी, मैंने कुछ कह दिया है क्या आपको, कुछ नहीं कहा, तुम ये बताओ तुम्हें क्या काम है, हाथ उठाते हो, गाली गलौज करते हो, क्या करूंगा मैं, करूंगा मैं, क्या करेगी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो यार, कोई गलती हुई है तो प्लीज यार माफ, मैं करूंगा, ऐसे ही करूंगा, मेरे को अच्छा लगता है इसमें करने में, यार तुम उस लड़की की भी जिंदगी खराब कर रहे हो, मुझे पता है, नहीं मैं उसकी, हाँ सबकी करता रहूंगा मैं, तू बोल यार, कोई तुम्हारी बहन के साथ ये सब चीजें करे आपको, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, समझ गई, फर्क आपको पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मेरे को नहीं पड़ेगा फर्क, यार ऋतिक प्लीज, सबके साथ ही करता रहूंगा मैं, आप जो कहोगे वैसा करूंगी ऋतिक, प्लीज प्लीज मान लो ऋतिक, यार वो आपसे प्यार करती है बहुत ज्यादा, अरे मैं नहीं करता ना, अरे वो तुम कौन हो, एक सेकंड आप गुस्सा मत करो, प्यार से बात कर रही है प्यार से, यार उसकी गलती भी नहीं है, फिर भी अपोलोजाइज कर रही है, वो बोल रही है साथ रहने के लिए सब कर रही है, वो कौन होती है बीच में बोलने वाली, बहन उसकी, बोल तो दिया उसने, कजन बोल दिया, कजन का मतलब समझता है, क्या बोल रहा है, इसके बाद क्या बोल रहा है, पिलेगी पिटेगी, बोल क्या रहा है, पता है क्या बोल रहे हो तुम, पता है बोल क्या रहा है, दोनों तमीज में रहा है, मैं तेरे को बता रहा हूं, तू भी चुप रह, समझ गई, तमीज में रहा है, तमीज में रहा है, ऊपर भी हाथ उठा, सबके ऊपर हाथ उठा दूंगा, तू ज्यादा बोल मत, भगवान है क्या कहीं का, तेरे को कौन-कौन सी फोटोज है, क्या 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 कौन कौन से, रो मत यार, रो मत, अरे रो क्या, रो मत, रो मत, रो मत, कि कौन से फोटोज है, तेरी वीडियोस फोटोज, कौन से फोटोज है, दिखा तो दे, कौन कौन ये छीने मत, दिखा तो दे, दिखा तो दे फोटोज, तो दिखा दे, अरे दिखा दे फोटोज, कौन सी, मेरा वायरल कर दूंगा मैं, वायरल करनी है ना, अरे मैं तेरे साथ मिलके वायरल करूंगी यार, अरे मैं कर दूंगा वायरल, दिखा ना फिर, दिखा ना कौन सी फोटोज ले रहे हो, फोन क्यों ले रहे हो मेरा, तुम क्या हो गया तेरा, फोन क्यों ले रहे हो मेरा, दूर रह, दूर रह, दूर रह, दूर रह, मैं ना प्रीति नहीं हूं जो तेरी मारपीट सहन कर लूंगी और तेरी सुन लूंगी, समझ गया, तू भी सुने, अरे अरे चल चल, तेरे जैसे बहुत देख के मैंने, और तेरे जैसे बहुत सीधे कर दिए, तेरे जैसे बहुत सीधे कर दिए, तू 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद उसको धोखा दे रहा है, उसको चीट कर रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, वो जानवर है क्या, मारूंगा, जानवर है क्या वो, पिटेगी, अच्छा लगा मेरे को तू हाथ, मैं बोल रहा हूँ चुप रह, समझ गई, अपनी बकवास बंद रख, समझा, तू गाली कैसे दे रही है, तुझे बोल रही हूं मैं, और लड़कियां होगी जो तेरी सुन लेती होगी, तेरी मार सहन कर लेती होगी, मैं नहीं हूं उनमें से, मैं नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं, ये लड़कियां शरीफ लड़कियां दब जाती होगी, कुछ गलत हो जाएगा तेरे साथ, चुप हो जा, क्या गलत हो जाएगा, करेगा क्या, चल जाएगा, क्या करेगा, क्या करेगा, साइड में होना, अबे धक्का कैसे दे रहा है, धक्का कैसे दे रहा है, धक्का कैसे दे रहा है, मत लगाओ ना प्लीज, मेरे मार लो ना, धक्का कैसे दे रहा है तू, कैसे दे रहा है धक्का, मैं हट, मैं क्या है, कौन है तू, धक्का कैसे दे रहा है, एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम क्यों दे रहे हो धक्का उसको, मेरी बात सुनो, तुम मार क्यों रहे हो, तुम्हारे पर मार क्यों रहे हो, तुम्हारे पर हाथ कैसे, अरे यार सुनो, तेरा क्या रोल है, सुनो मैं कभी, क्या रोल है, मैं कभी लोगों पे, पागल हो क्या, धक्का कैसे दिया यार, ये बताओ, मैं शूट पे कभी किसी से बदतमीजी, मैं बदतमीजी करती हूँ लेकिन मैं हाथ नहीं चलाती यार, अमित शूट क्या है ये, हाथ नहीं चलाती मैं, धक्का दिया उसने तुम्हें, मैं हाथ नहीं चलाती, धक्का दिया उसने, पता है बे यार, शूट का क्या, पहले तुम मुझे, मैं सबक सिखाऊंगी ना इसको, मैं सिखाऊंगी ना सबक, थोड़े देखो कैमरा लग रहा है, दिख रहा है, आज तो धक्का दे दिया, लड़की की इज्जत करना भूल गया,
उसको लड़कियों की इज्जत नहीं है, इसलिए वो 4 साल उसके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी उसको चीट कर रहा है और उसको मारपीट करता है, ठीक है? लेकिन तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता वीडियो में आकर। आज के बाद मेरे को कभी शूट पर ले मत आना, बस समझ गए अपना ऐसे। अरे यार सुन तो लो, हद है यार, तेरी वजह से हुआ है सब कुछ, तेरी वजह से। तुम जैसे घटिया लड़कों की वजह से ना जो लड़कियों को मारपीट करते हो, ठीक है, हर लड़का तेरे जैसा भी नहीं होता है। डर मत, अब क्या मुंह मत छुपा, मुंह अच्छे से दिखा दे अपना, मुंह अच्छे से दिखा दे। तेरी वजह से मेरी दोस्ती खत्म हुई है, तेरी वजह से उसके 4 साल बर्बाद हुआ है, वो खून के आंसू रोई है, वो लड़की हर दिन रोई है, और तू तू क्या कर रहा है, गुलछर्रे उड़ा रहा है हर लड़की के साथ, बता। बैठो ना ढंग से, हाथ हटाओ ना। अरे हाथ हटा, सुन मेरी बात, ये जिंदगी में ना 2 साल हो गए मेरे को चैनल स्टार्ट के, जिंदगी में पहली बार हुआ है, 2 साल से यूट्यूब पे हूँ मैं, और जिंदगी में पहली बार हुआ है सिर्फ तुम जैसे घटिया लड़कों की वजह से। लड़की को यूज करते हो, लड़की के खिलौने है क्या? डालना वीडियो मत डालना। क्यों चल तो माफी मांग लेना उससे, फिर माफी मांग लेना उससे। मुझे बुरा बनवा रहा है हमेशा, हर जगह उसको बुरा बनाएगा। ये है ना तेरा फोन, लॉक खोल, खोल लॉक। तेरा फोन रीसेट करती हूँ, और तुम लड़कों को, लड़कियों की ना फोटोज वायरल कराती हूँ, और अब तेरे को वायरल करूंगी मैं। ले पकड़। सॉरी सॉरी मैम, सॉरी प्लीज, सॉरी मैम, मेरे को धक्का दे रहा है, मेरे पे हाथ चला रहा है, ऊपर से बोल रहा है सॉरी मैम। कैमरे का इतना डर हो गया तेरे को, कैमरे का इतना डर हो गया, हर लड़का तेरे जैसा नहीं होता, ठीक है, इसलिए वो बीच में आ गया, पता नहीं कब से कंट्रोल कर रहा था। तेरी वजह से मेरी दोस्ती तो खत्म हुई, उसके 4 साल और बर्बाद हो गए, कुछ नहीं है तेरे, बस वर्ड बोलने को। मेरे को छोड़, तूने हाथ लगाया मारा, इससे माफी मांग ले, चल सॉरी बोल ले इससे, बोल सॉरी। और सुन, तू छोड़ेगा इसको, ये ही नहीं रहना चाहती तेरे जैसे नामर्द के साथ, जो लड़की बात उठाते हैं नामर्द होते हैं, वो ही नहीं रहना चाहती तेरे साथ, समझा? तू छोड़ेगा क्या इसको? और अभी जितनी पटा रखी है ना, सबको फोन करके ना तेरी असलियत दिखाएगी, और वैसे तो वीडियो जाएगी, सब देखेंगे, और शक्ल के साथ तेरी वीडियो डालूंगी, सब देखेंगे, जितनी फंसा रखी है ना, जिसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, सब देखेंगे कि तू प्ले वो है। साथ रहना नहीं पसंद करेगा ये, कोई रहना पसंद नहीं। इसके साथ शादी करना चाहती थी तुम? तुम्हें मैं तो इसके साथ शादी से पहले मारपीट कर रहा है, इसके साथ गलत रहा। अरे मार इसको यार, 2-3 और मार इसके। मेरा टाइम ना बहुत बर्बाद किया है, मेरा बहुत टाइम बर्बाद किया है, मैंने सोचा सुधर जाएगा ये कभी। इससे पर मेरे कितने थप्पड़ मारे इसने तेरे को आज तक, कितने मारे हैं? उतने ही मारेंगे अभी तक नहीं है, गिने भी तक नहीं मैंने। डैम द सॉरी सॉरी बोल, सॉरी आप भी सॉरी, तू तमीज में बोल रही है, फिर एहसान कर रहा है, कैमरे से डर रहा ना, कैमरे से डर रहा ना, रही है फिर मेरे से आज सॉरी बोल रहा है, अब तेरे को पता चलेगा कितना दर्द होता है। लगा इसको थप्पड़, एहसान कर रहा है क्या मेरे ऊपर, एहसान कर रहा है। वीडियो डालेगी, भाग जा तू अभी, टेंशन मत लो, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ थोड़ा सा, उसको थप्पड़ पड़े, उसको पता लगा हुआ कि तुम भी इंसान ही हो, तुम्हें भी दर्द होता है। लेकिन सीरियसली यार गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं अमित को शूट पे लेके आई थी आज, क्योंकि यार पता क्या है, आजकल हम लोग जैसे एक्सपोज वीडियोस कर रहे हैं ना, उसमें क्या है, हमें थोड़ा रिस्की लगता है कि मतलब लड़के हैं जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते, हाथ चला देते हैं, पैर चला देते हैं, ठीक है, तो उसमें ना मतलब बहुत डिसरिस्पेक्ट हो जाती है एक लड़की की। तो यार वो आया और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, उसे कंट्रोल नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम इवन वो शूट पे आया, और पहली बार मतलब इतना ज्यादा हो गया, मतलब दिमाग खराब ना। नहीं यार आपकी गलती नहीं है यार, कोई भी अगर अच्छा लड़का होगा ना, और उसको दिखेगा कि लड़की के साथ गलत हो रहा है, लड़की को कोई हाथ चला रहा है, मार पीट रहा है, तो कोई सीधा कोई अच्छा लड़का बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसलिए बोल रहा हूं, लड़कियों की इज्जत करना सीखो, ऐसे कुछ लड़कों ने सबका नाम, पूरा लड़का जाति खराब कर रखी है, बदनाम कर रखी है, ठीक है। तो आपको ये क्लिप्स में मेल कर दूंगी, मेरी तो फ्रेंडशिप देखते हैं कैसा होता है बाकी, लेकिन मैं क्लिप्स रख दूंगी, मूव ऑन कर रहे हैं यार जिंदगी में, ऐसे लड़कों के लिए बिल्कुल मत रोना। तो बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, मेरे को यार थैंक यू सो मच दिया, कोई नहीं यार, तुम ध्यान रखो। हाँ, और मैं मेल करती हूँ, तो मुझको अपनी ईमेल आईडी दे देना व्हाट्सएप पे, मैं मेल करती हूँ क्लिप्स, कोई भी दिक्कत हो, अपना कैरेक्टर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है। और जिंदगी में यार कभी भी कोई भी पसंद आए, कभी मार मत खाना किसी की, समझता भी तो नहीं है ना, कोई मिलता भी तो नहीं है, ऐसा समझना यार, हर कोई एक जैसा नहीं होता। मैं कितने टाइम से टैग कर रही हूँ, कितने टाइम से आपको मिलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यार एक बार मिल जाओ एक बार, वो पता नहीं लास्ट टाइम आपने कैसे मेरा अनदेखा मैसेज चेक कर लिया, और मेरी हेल्प करने के लिए यार। इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत होती है ना यार प्रीति, कोई भी मेरे को बेझिझक मैसेज कर देना।
ये लगता था कि ना मतलब ऐसी फॉर्मेलिटी करते हो आप, किसी की मदद नहीं कर सकते हो, बट मुझे आज मेरी हेल्प करके मुझे लगा कि वाकई में आप मेरी हेल्प कर सकते हो यार, औरों की भी कर सकते हो। ऑलवेज मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों से ही मेरा सब कुछ है, आप लोगों की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप लोगों के लिए नहीं करेंगे तो फिर तो जिंदगी पे ही लानत है, इस सक्सेस का भी हम लोग क्या ही करेंगे। ठीक है, ध्यान रखो अपना। और हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, याद रखना इस चीज को, इससे बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखो अपना। ड्रॉप कराऊं या चलोगे तुम? नहीं आओ, मैं बाहर तक ड्रॉप कर देती हूँ।